दोस्तों सुबह का यानी कि 2 बज गया, रात भर पूरा इंतजार किया हम लोग, तब जाके अभी लाइन लगे हैं। उसके बाद यहाँ से मंदिर की ओर जा रहे हैं, अभी जितने भी बम लोग हैं देखिए मंदिर की ओर निकल रहे हैं। तो रात को दोस्तों 8 बजे हम लोग पहुँच गए थे। फिलहाल तो दोस्तों पट बंद होने के कारण जल नहीं चढ़ा पाए, हम लोग को रात भर वेट करना पड़ा। तो मैं बता दूँ रात को इतना बारिश पड़ा क्या नहीं बता सकता। कभी मैं बता दूँ अभी 4 बजने में कुछ ही समय बाकी है, तो हम लोग अभी चलते हैं आगे। और जैसे 4 बजेगा दोस्तों यहाँ से सभी बम लोग अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहे। तो अभी सभी बम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, देख सकते हो सभी बम को बहुत सारा लाइन है। और हम लोग को यहाँ से थोड़ा देर मतलब 10 कदम आगे जाना है, उसके बाद दोस्तों मंदिर में प्रवेश करेंगे। लाइन बाय लाइन, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से। दोस्तों देखिए हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर ही मैं बता दूँ कि आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो चलिए आगे आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों। अभी सभी बम जा रहे हैं धीरे धीरे, और बाकी बम पीछे हैं, देख सकते हो। बोल बम। तो हम लोग दोस्तों अभी देखिए मंदिर से आगे ये देखिए, अभी हम लोग को आगे जाना है और बाकी बम इधर। ये बम ज्यादा भीड़ रहने के कारण ये जो राउंड है इसमें राउंडिंग करके नीचे आएंगे। अभी हम लोग एक रास्ता इधर भी है, देख सकते हैं यहाँ से हम लोग बगल से निकल रहे हैं। अभी नीचे आ गए, नीचे का राउंड देख सकते हो, सभी को इधर राउंड मार रहे हैं। हम लोग को गेट खुलने का बस वेट है, उसके बाद यानी के दर्शन कर लेंगे। चलिए दोस्तों अभी सभी हम जितने भी बम हैं अभी लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हो। उसके बाद गेट खुलेगा लगभग 4 बजे के आसपास गेट खुलेगा। और अभी हम लोग को 1 घंटा पूरा वेट करना पड़ेगा। आज तो 4 राउंड घुमाना पड़ता है, आज बहुत कम भीड़ है हम लोग मतलब के लिए। और इधर देख पूरे 1 घंटे के बाद पट खुला है। अभी बात नजर देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अपना नारा लगाते हुए यह देखिए। चलिए तो अभी मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। तो मैं बता दूं कि दोस्तों 5 कदम के बाद आगे दोस्तों जल ढारने का है, तो फटाफट जल दोस्तों जल ढार देते, क्योंकि वहां पर इतना प्रशासन रहेगा कि मतलब रुकने का समय ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बम लोग हैं तो भीड़ हो जाता है। उस जगह सर दोस्तों मैं मतलब वीडियो नहीं ले पाऊंगा कि हाँ मतलब जल ढारते हुए मैं दिखा नहीं पाऊंगा। तो चलिए फटाफट जल ढार कर और मंदिर के बाहर निकल के आप सभी को मिलते हैं। तो अभी दोस्तों देखिए जल ढार दिए, और मैं बता दूं कि दोस्तों देखिए आप लोग बाहर से ही जल ढार सकते हो, अंदर प्रवेश करने का दोस्तों अलाउ नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे भीड़ रहते ना, बहुत सारे बम लोग रहते हैं, इस वजह से दोस्तों मंदिर हिलने का अलाउ नहीं था। अभी हम लोग चलते हैं बाहर दोस्तों। हम लोग अभी जल ढार कर निकल चुके हैं, इतना भीड़ था क्या ही बताएं, नहीं बन रहा। देखते थे कि दोस्तों किस तरह से जल चढ़ा जाता है, सो आप सभी को दिखाते अंदर। तो प्रवेश करने का नहीं, ये निकास द्वार है। अभी हम लोग जल ढार कर निकल गए हैं इधर, अभी हम लोग आगे जाएंगे पार्वती जी के पास। और ये रहा दोस्तों देखिए मंदिर, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए कितना भीड़ है, किधर से पार्वती माता के मंदिर में। और ये देखिए इनसे जो संबंध है, ये अभी हमारे बम लोग इधर।
तो अभी दोस्तों जा रहे हैं अभी पार्वती माता के मंदिर, तो वहाँ पर जल चढ़ाएंगे, उसके बाद दोस्तों जल्दी से निकलेंगे वहाँ से क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अंदर शायद वीडियो में मैं नहीं बना पाऊँ, तो चलते हैं अभी मंदिर की ओर। तो अभी फिलहाल देखिए पार्वती जी का जल चढ़ा कर आ चुके हैं। तो चलिए अभी सभी को आरती दिखा दिए, जितने भी हम लोग थे आरती दिखाकर अभी यहाँ से निकलते हैं दोस्तों शिवगंग, वहाँ से हमको फिर जल उठाना है, वहाँ से निकलना है दोस्तों बासुकीनाथ। तो चलते हैं अभी यहाँ से निकलते हैं दोस्तों, और यहाँ का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा अद्भुत है, देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए शिवगंग, फिलहाल तो दोस्तों देखिए वहाँ से आरती दिखा के चले आए थे जल लेने के लिए, क्योंकि अभी हमें जाना है यानी कि बासुकीनाथ। जबकि हम लोग आए थे अभी सुबह सुबह, देखिए यहाँ पर ही स्नान कर रहे, वहाँ फिर यहाँ से निकलेंगे जल ढारने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते नए ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए इतना ही।